भी नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो अगर एक शब्द में बोलूं तो मानसिक स्वास्थ्य पर है। मतलब जो आज के दिन में जो दिनचर्या हो गई है हम लोगों की, तो एक अंग्रेज टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं मेंटल फॉग, मेंटल फॉगिंग। मतलब इतना कन्फ्यूजन होता है दिमाग में कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। हम ऐसी स्थिति में इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो जिस क्षमता का है, जो उसकी मानसिक क्षमता है, उसका वो पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। तो ये सारा जो मानसिक व्यवस्था है, ये जो मानसिक उथल पुथल है, इसको शांत करने के लिए और जीवन को और दिमाग को एक दिशा देने के लिए काल भैरव महाराज का एक विधान है, जिसमें मूल रूप से हम लोग लौंग का प्रयोग करते हैं। लौंग का प्रयोग क्यों करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि नींबू और लौंग, इसका प्रयोग तंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनका एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिससे ये अनवांटेड एनर्जी को आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि क्रिस्टल करता है। इन लोगों को एथर्नल स्वीप बोला जाता है, मतलब एनर्जी का झाड़ू। ठीक है, तो मूल रूप से हम लोग जो है लौंग का प्रयोग करेंगे इस पूरी साधना में। आप लोगों को पता है जब उतारा भी होता है तो उसमें एक नींबू, एक कपूर, एक लौंग और कारण का प्रयोग होता है। उसके पीछे भी यही लॉजिक होता है कि इनका मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा है कि अनवांटेड एनर्जी को आपके आसपास से बाहर निकाल देता है। तो जब आप नेगेटिव विचार में पड़ते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके आसपास एक्सटर्नल एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, मतलब आपके विचार में किसी और का विचार समाहित हो रहा है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता, आपको सुखी नहीं देखना चाहता, है ना। बहुत बार किसी के इंटेंशन से भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके ऊपर तंत्र करे तभी आपके साथ ऐसा होगा, जिसको हम लोग हिंदी के खड़ी भाषा में बोलते हैं कि किसी का नज़र लग गया। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी सर्कल है उसमें किसी का दुष विचार आकर के मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है, और उसके बाद वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है। ऐसी चीज़ों को हम कैसे साफ करते हैं, या किसी पर छाया का प्रवेश आपके एनर्जी सर्कल में हो गया, तो वो पहला काम जो करता है वो करता है आपको डिप्रेस करना, आपके दिमाग को ब्लॉक कर देना, और आपका जो मानसिक संतुलन है, जो मेंटल पीस है, उसको रोक देना। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लाल शालुक का कपड़ा लेंगे, ठीक है, या फिर लाल कॉटन का कपड़ा। अगर लाल शालुक कपड़ा मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एक बड़ा दीपक लेंगे मिट्टी का, एक मुखी, और सरसों का तेल लेंगे। इसके साथ क्या लेंगे, इसके साथ लेंगे 7 लौंग। अच्छा, ये जो कपड़ा है ये हम लोग इससे दिया की बाती बनाएंगे, इसको रोल करके, ठीक है, और इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि 7 लौंग एक के पीछे एक हम इस पे रख पाए, ठीक है। तो सबसे पहले 7 लौंग ले लेंगे, और उसके बाद पहले लौंग को लेकर के 7 बार मंत्रोच्चारण करके उस पे फूकेंगे। क्या मंत्र है, ओम ब्रह्म क्रिया नाश भवः, ओम ब्रह्म क्रिया नाश भवः, और ऐसा बोल के 7 बार पढ़ के उस पर फूकेंगे, और सबसे आगे उस लौंग को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा लौंग उठाएंगे, बोलेंगे ओम ब्रह्म प्रेत नाशा भावः, ऐसा भी 7 बार बोल करके फिर दूसरे बार दूसरे जगह पे उसको रखेंगे। तीसरा ओम ब्रह्म भूत नाशा भावः, 7 बार बोलेंगे, लौंग पर फूकेंगे, फिर उसको रखेंगे। चौथा लौंग लेंगे ओम ब्रह्म परशक्ति नाशा भावः, फिर उसको रख देंगे। पांचवा लौंग उठाएंगे ओम ब्रह्म दुष्बुद्धि नाशा भवः, ठीक है, फिर ओम ब्रह्म शत्रु नाशा भवः, ठीक है, और अंतिम लौंग लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे ओम ब्रह्म सर्व शांतिकारा भवन्तु, ऐसा बोल करके सबसे नीचे उसको रखेंगे। इसको एक लाइन में रख के उसके बाद इसको रोल करके और इसको दीपक में रखेंगे, उसमें सरसों तेल भरेंगे और फिर इस बाती को जला देंगे। इस बाती को जला करके और फिर आप जो है आपके घर के या कमरे में जो सबसे अंधेरा कोना हो, ठीक है, जैसे क्या होता है
कई बार पूरे कमरे में रोशनी होती है लेकिन किसी फर्नीचर के छाया के चलते, या कोई ऐसा कॉर्नर होता है घर का जिसमें कि हम लाइट नहीं जलाते हैं, तो वैसे कॉर्नर में इस दीपक को जाकर के आपको छोड़ देना है, ठीक है? ये आप 11 दिन तक करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे, 11 लौंग को एक लाल पोटली में बांधेंगे, ठीक है? और उसके बाद इसको अपने पूजा स्थान पर रखेंगे 11 दिन तक, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भैरव जी का नाम लेकर के इस पोटली को अपने पूजा स्थान पर रख देंगे। जब 11 दिन पूरा हो जाएगा तो फिर इसको उठा करके, और इसको आपको 7 दिन में खा लेना है, 11 लौंग को 7 दिन में खाना है। जो पहला आप जो प्रयोग कर रहे हैं, जो वो बाती आप जला रहे हैं रोज, उस बाती को जलाने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होगी, जो भी ऐसी ऊर्जा होगी जिसके आने से आप सैड फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, वो सारी ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी, तो क्लियरेंस हो जाएगा आपके यहाँ का। दूसरा जो है, जब ये क्लियरेंस हो रहा होगा तब तक ये जो पोटली आपने 11 लौंग बांधी है लाल कपड़े में, पूजा स्थान पर रख दिया भैरव जी के नाम पे, ये एनर्जाइज होता रहेगा, और फिर इसको जब आप 7 दिन में खाएंगे जो आपका मेंटल फॉगिंग है वो हट जाएगा, ठीक है? जब 11वां दिन होगा उस दिन फिर 7 लौंग को हम लेंगे, ठीक है? और उसको एक दीपक अलग से जिसमें सरसों का तेल हम दे करके जला लेंगे, उसमें एक एक करके आप कुछ प्लकर या कुछ भी चिमटा यूज कर सकते हैं, और इस लौंग को एक एक करके जलाएंगे और साथ में मंत्र बोलते रहेंगे, ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः, क्या? ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः, जब तक वो ना जले, एक एक करके जलाना है 7 लौंग को, और हर बार उसको ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः बोल करके, और उसको एक कोने में रख देंगे। उसके 7ों लौंग जब हो जाएगा तो कूटेंगे, कूटते टाइम भी मंत्र बोलेंगे, ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः, ठीक है? और उसके बाद इसको खा लेंगे, ठीक? तो जो 11 दिन के बाद जो 7 दिन आप 11 लौंग को खाएंगे, उसके साथ ये जो 7 लौंगों को कूटेंगे इसको भी 7 दिन तक खाएंगे। इसको जब आप 7 दिन खाएंगे तो मन में जो अशांति फैली हुई है, क्योंकि इतने दिन से आप अशांत हैं, तो उस मन को शांत करने की आवश्यकता होती है, तो वो जो मन की शांति है वो आपको इस 7 लौंग को 7 दिन खाने से आ जाएगा। तो कैसे कैसे है प्रयोग, पहला प्रयोग करने से जिसमें कि आप दीपक को मंत्र उच्चारण के साथ प्रज्वलित करके घर के किसी एक अंधेरे कोने में रख देंगे, तो जो भी नेगेटिविटी है आपके पास, जो भी पराशक्ति है, जो भी किसी का दुर्भावना है आपके पास, वो समाप्त हो जाएगा। जब आप 11 लौंग पूजा पर रख के छोड़ देंगे भैरव जी के नाम से, और 11 दिन बाद उसको उठाएंगे, तो वो एनर्जाइज्ड होगा आपकी पूजा से, और वो जो लौंग है उसको जब आप खाएंगे अगले 7 दिन में, तो जो मेंटल फॉगिंग है, जो आपका इंटेलिजेंस है जिसमें जो भी आप अवरोधक है, वो खत्म हो जाएगा और आप अपने दिमाग का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। और जो अंतिम जो मैंने प्रयोग बताया, जिसमें 7 लौंग को एक एक करके आप जलाइएगा, और जलाने के बाद उसको कूट करके और खा लीजिएगा, उससे ये होगा कि आपकी जो मानसिक शांति चली गई है वो मानसिक शांति आपकी लौट जाएगी। तीनों प्रयोग एक साथ करेंगे, ठीक है? और बहुत मतलब मान के चलिए कि अगर आप दिन भर में 10 मिनट भी देते हैं, तो आपके लिए ये 18 दिन का जो पूरा प्रयोग है, ये 18 दिन में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है, बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है, तो आप लोग सब इसको करिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। जिसको भी लगता है कि उनका परफॉर्मेंस पहले से घटा है, ऐसे लोगों के लिए ये साधना बहुत उत्तम है। इस साधना का प्रयोग हमारे लोगों ने किया है और उनको इनसे बहुत लाभ हुआ है, आप लोग भी करिए और इससे लाभान्वित होइए। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का शुरुआती आयाम सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585, और इसका शुल्क है 2100 रुपये। इसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है वो हम आपको सिखाते हैं। जिनको मेरे आगे का कार्यक्रम या लेख पढ़ना है वो www.agortantrahasya पर जा सकते हैं।
ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, उसमें रुद्रनाथ एट सिंह फोर सर्च करिएगा तो आपको मेरे प्रोफाइल में। आज के लिए इतना ही, भैरव जी आप सभी को सुरक्षित रखें ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, आदेश, आदेश।